कि 10 बजते ही आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल के निरीक्षण पर निकले हैं। सर, आज निरीक्षण पर पहुंचे, क्या खामियां मिली? ये तो करते ही रहना चाहिए निरीक्षण, तो अधिकारियों को भी निरीक्षण करते रहना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी, मंत्रीगण को भी आना चाहिए। इससे काम की वर्किंग स्टाइल का पता लगता है, कौन कितने बजे आता है, कैसे आता है, क्या क्या काम करते हैं, और मोटिवेशन भी मिलता है अधिकारी कर्मचारियों को कि हमारे काम अच्छा कर रहे हैं। तो जब मंत्री ने देखा या अधिकारी ने देखा, तो अभी जैसे ये लड़का जो पीओ है लगा है, दो दिन पहले ज्वाइन किया इसने, फिर भी अपनी फाइल मॉनिटरिंग की लेकर के और अपने काम से आया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सारी गुड गवर्नेंस का ये हिस्सा है। गुड गवर्नेंस हमारी सरकार का पहली प्रायोरिटी है, और गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि निरीक्षण भी करें, मोटिवेट भी करें, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करवाएं। अभी जैसे मैं आया तो दो तीन लोग बैठे थे जो TCVC के लिए कोई प्रॉब्लम अपनी लेके आए थे, तो उनका हाथों हाथ काम भी हो गया, हालांकि कर रहे थे ये लोग, वहाँ सारे स्टाफ के लोग आ गए थे, ये अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ मेरा ये शुरू से ही रहा है, और मैंने 3-4 बार निरीक्षण किए भी हैं, तो इससे गुड गवर्नेंस में हमें मदद मिलती है। अधिकारियों को भी ये रहता है कि कभी भी आ सकते हैं, और मुझे भी ये लगता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, सिस्टम में अगर कोई कमी खामी मिलती है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, यही हमारा उद्देश्य। सर, कुछ कर्मचारी अनुपस्थिति भी मिले हैं, उनको लेकर क्या? नहीं, वो दो जो तीन कर्मचारी नहीं मिले, एक कोर्ट में गया है, एक ADPC जो है हमारा वो वहाँ पर मीटिंग में गया हुआ है, और दो ऑनलाइन ऑफलाइन जो इसके इंग्लिश वाले के जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें गए हुए हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा काम है। सर, कल CM साहब ने कहा था कि जो हम शपथ लेते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे नेता हो, क्या उस शपथ को हम पूरी तरीके से सही साबित कर रहे हैं, उसी के तहत ये निरीक्षण मान? बिल्कुल, देखिए, हर व्यक्ति के अंदर जनता की सेवा करने का जुनून होना चाहिए, और जुनून से ही सफलता मिलती है। तो मेरा हमेशा रहा है, मैं जिस जगह भी रहा हूँ, जिस आज मैं शिक्षा में हूँ, तो मेरा 4-5 दफ़े मैं आ गया यहाँ पर इस 2 साल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी चीज़ें सुधरी भी हैं आने के बाद में। जब निरीक्षण करते हैं तो देख, मैं अभी पिछली बार आया था तो एक मैंने कहा इतना कबाड़ भरा पड़ा है, स्टोर होना चाहिए, तो स्टेट ओपन से हमने वो स्टोर बना दिया, तो अभी वो बनेगा, अभी उसकी प्रोसेस चल रहा है, तो स्टोर बन जाएगा तो पूरा जितना शिक्षा संकुल के जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी ये डिवीज़न है, वो सारे उस स्टोर में रख देंगे, तो यहाँ काफ़ी जगह मिल जाएगी, काम करने में सुविधा होगी, और लोग जो आएंगे उनको बैठने के लिए भी जगह मिलेगी। तो ये सर, पिछले 3 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में देखें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही शिक्षा संकुल के भी काफ़ी अगर कामों में देखें बढ़ोतरी हुई है, इसको किस रूप में देखें? देखिए, शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है, और जब एजुकेशन और हेल्थ दो सेक्टर में अगर अच्छा काम होगा तो निश्चित रूप से आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों ही बड़े ऐसे सेक्टर हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लें। तो एजुकेशन और हेल्थ में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा गुड गवर्नेंस भी होगी और लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये रहता है, इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ कमियां हमारी सिस्टम में होती हैं तो उसकी जानकारी मिलती है, कुछ अधिकारियों में भी ये रहता है कि भाई निरीक्षण होगा, फिर मैं आ रहा हूँ तो मेरे अधिकारी भी नेचुरली फिर निरीक्षण करेंगे, समय पर आएंगे, तो समय पर कोरोना के बाद में अब समय पर आना हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि समय पर कोई नहीं आता तो फिर जनता परेशान होती है, तो जनता परेशान नहीं हो इसके लिए हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इस विभाग में जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया, क्योंकि मैंने देखा पब्लिक डीलिंग वाले जो डिपार्टमेंट है वो पहले मैं देखूं, फिर जो पब्लिक डीलिंग के नहीं हैं वो उसमें हम अभी जाएंगे। तो पब्लिक डीलिंग में यही है कि जनता आती है तो उसका तुरंत समाधान होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। सर, शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है, पहले 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, अब 3rd ग्रेड, इसको किस रूप में देखते हैं? 3.5 लाख शिक्षक बेहद खुश हैं आपसे। देखिए, 3rd ग्रेड का हमने ये तय किया है कि हम आवेदन लेंगे, फिर हम देखेंगे कौन किस ज़िले का है, कहाँ पदस्थापित है, एलिमेंट्री में कौन है,
माध्यमिक में कौन है, पंचायती राज में कौन है, अभी इनका जो हमने रूल्स में भी अमेंडमेंट किया है कि 3 साल बाद में हम माध्यमिक में ले सकते हैं, क्योंकि सीधी भर्ती एलिमेंट्री में पंचायत राज में होती है, माध्यमिक में नहीं होती है। तो इनका लेने के बाद में हम एक रोड मैप बनाएंगे, रोड मैप बना करके कि भाई कैसे हम जो पीड़ित हैं, किसी के कैंसर है, कोई विडो है, कोई नवविवाहिता है, कोई एकल महिला है, और काफ़ी सालों से लोग बाग वहाँ बैठे हैं, 15 साल से दूसरे ज़िले में बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इनकी ज़िले की नियुक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि भाई लोकप्रिय सरकार है तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ ठीक करे जिससे हम ज़िलों में आ पाएँ। तो हम एक पॉलिसी भी बना रहे हैं, उस पॉलिसी को भी हम लोग कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। तो ये आवेदन लेकर के हम लोग देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से किस वर्ग को जो पीड़ित पक्ष है उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, उसके स्थानांतरण करके उसको नज़दीक में, अपने घर के नज़दीक में कैसे लाया जा सकता है, तो इस बात की कवायद हम लोग कर रहे हैं। डार्क जोन को लेकर भी कुछ कवायद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सभी, जब हमने सबको खोला है तो सबकी दिमाग में लगाएंगे। TSP नॉन TSP इस पर भी विचार चल रहा है कि जो लोग बाद में, पहले नॉन TSP में थे लेकिन वो TSP में आ गए, बाद में उनका एरिया बढ़ गया तो उनसे हमने ऑप्शन फार्म मांग रखे हैं। ऐसे 2500 लोग हैं जिनको हमने 2000 हमारी सरकार बनने से पहले ही ऑप्शन मांग रखा है, लेकिन वो नहीं आ पाए, अब तक कोई नहीं कर पाया। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी विस्तार से चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्सरसाइज कीजिए कि हम जो TSP वालों को भी, जो नॉन TSP के लोग हैं जो TSP में हैं, उनको कैसे सुविधा दे सकते हैं, और ये थर्ड ग्रेड वाले जो बाहर दूरस्थ ज़िलों में हैं, प्रतिबंधित ज़िलों में हैं, उनको भी हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। तो अभी आवेदन लेकर के हम केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक रोड मैप बनाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम इसको अमलीजामा पहनाएंगे। 15 सितंबर से पहले लिस्ट आई? वो तो अब आप मान के चलते हैं कि जब कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, जब मुख्यमंत्री जी ने 15 सितंबर खोला है तो हमको उसी समय अवधि में ही करना है जो कुछ करना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मनी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं सुबह 10 बजे से। जी राजस्थान से विस्तार से उन्होंने चर्चा की है कि किस प्रकार से समय पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी ऑफिस में पहुँचे, इसके साथ ही जो अन्य डिपार्टमेंट तमाम महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर ललित आपने बातचीत की गोविंद सिंह डोटासरा से। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस औचक निरीक्षण से न केवल गुड गवर्नेंस होती है, साथ ही तौर पर अधिकारी मोटिवेट होते हैं और